एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? एशिया का नंबर वन स्टूडेंट कौन है? थैंक यू वेरी मच। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन एशिया टेलीकॉम की तरफ से। हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट, हमारे साथ है हेलो दुर्गेश सर, और हमारे साथ ये जो चार स्टूडेंट देख रहे हैं, ये चारों को चारों बिहार से ही है और बिहार से बिलोंग करते हैं। और बिहार से जबलपुर में क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं, आप देख के ड्रेस देख के समझ गए होंगे ये एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट है। अभी एक स्टूडेंट हो चुके हैं क्योंकि इनका जो कोर्स है ये ख़त्म हो चुका है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ ये कोर्स कैसा रहा, सारा चीज़ सब कुछ सही से सीखे कि नहीं सीखे। दूसरी चीज, अगर कुछ भी भूले होंगे, कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा, तो उसके लिए एशिया टेलीकॉम इनके लिए क्या प्रेफर करता है, और यहाँ से जाने के बाद अगर दूसरे को कुछ अगर इनको बोलना है कि भाई कोई पूछे कि एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट कैसा रहा, उनके जवाब क्या होना था ये पूछ रहे हैं। कहाँ से हैं आप तो पता है बिहार से, आपका नाम क्या है? नवीन कुमार सर। नवीन जी, बताइए कि आपका डे वन से लेकर अभी तक सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त रहा। जबरदस्त। मैं बात करना चाहता हूँ आपकी वही छोटी सी एक कंपोनेंट के बारे में। जी सर। कि जिस कंपोनेंट के बारे में मोबाइल फोन डेड हो जाता है, एक कंपोनेंट आपको पता है वो कंपोनेंट कौन सा जी है? सर, जी सर। ये नॉलेज जो है, ये नॉलेज है, पूरी कंपोनेंट की नॉलेज अगर नहीं होगा, कौन सी बोर्ड में कौन सी कंपोनेंट कहां पे लगा है, ये कहां से मिला आपको? एशिया टेलीकॉम में। उसके बाद आपने नेटवर्क सेक्शन अटेंड किया, नेटवर्क सेक्शन कितना इजी लग रहा है आपको? बहुत इजी लग रहा है, पहले तो पता ही नहीं था कि कितना है क्या है, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा। हार्डवेयर कंप्लीट होने के बाद सॉफ्टवेयर अटेंड किया आपने? जी सर, जी। सॉफ्टवेयर कैसा रहा? बहुत लाजवाब, जबरदस्त। हर एक सेक्शन के आपने लाइव क्लास देखे हैं? जी सर, हर एक सेक्शन के प्रैक्टिकल एकदम साथ साथ हुआ है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों। ठीक है, थैंक यू। और मैं बात पूछना चाहता हूँ कि ड्यूल डेकर की काम किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं सर। किए हैं। चलिए, अगर आप क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम, अगर कोई आपसे पूछे कि एशिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट कैसा रहा, मैं जाना चाहता हूँ या नहीं, जाऊँ या ना जाऊँ? एकदम आना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति ये देख रहा है लाइव या यहाँ का जो भी फोटो देख रहा है, उसको बेझिझक आना चाहिए। क्या है कि यहाँ आने के बाद पता चलता है कि क्या नॉलेज दे रहा है। पहले ऐसे तो देख के वीडियो लगता है कि क्या सिखाएगा नहीं सिखाएगा, लेकिन चार दिन का यहाँ का कोर्स करे, उसके बाद डिसाइड करे कि हाँ एशिया टेलीकॉम उसको क्या दे सकता है। ये तो कोई प्रेशर में आके नहीं बोल रहे हैं ना? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई प्रेशर में नहीं। थैंक यू वेरी मच आपको। और मैं, हमारे साथ और एक स्टूडेंट है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सोनू है सर, मैं बिहार से हूँ। जी सर। सोनू, कैसा रहा आपका सफर शुरुआत से? बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत बढ़िया। जी सर। सोनू, बताओ मुझे कि इस लाइन में तुम फ्रेशर हो या तो फिर कितने दिन से काम कर रहे थे? नहीं सर, साल दो साल से काम कर रहे। साल दो साल से। अच्छा, मुझे बताओ कि आप आईसी में काम कर सकते थे क्या? नहीं सर, बस जैक वेक लगाना जानता था, कुंभो वगैरह, टच वच बस इस टाइम। अभी अभी कर पाएंगे कि नहीं कर? सर बिल्कुल 99% कर पाएंगे। 100% क्यों नहीं? 100% सर वो भी हो जाएगा। हो भी हो जाएगा सर। अगर मान लीजिए कुछ भूल जाते हैं आप, भूलने के बाद मान लीजिए कोई काम आप भूल रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए एशिया टेलीकॉम आपको क्या प्रोवाइड करता है? उसके लिए सर लाइफ टाइम सपोर्ट दिया हम लोगों के लिए। सपोर्ट मतलब कैसा सपोर्ट रहेगा? लाइफ टाइम आपके लिए फुल्ली सपोर्ट, जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी दिक्कत आए, वो बैकअप सपोर्ट, बैकअप फिर से आके आप पढ़ सकते हैं यहाँ, उसके लिए कोई पैसा? फ्री ऑफ कॉस्ट। आने वाले स्टूडेंट के लिए जो आ रहे हैं नेक्स्ट महीने, उसके नेक्स्ट महीने जो बुकिंग है, वो लाइव देख रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे तुम? उनके लिए सर यही बोलना चाहेंगे कि वो बेझिझक बेधड़क आए, वो इनके लिए एशिया टेलीकॉम हमेशा उनके लिए लाइफ सपोर्ट रहता है, लाइफ टाइम मतलब उनका जो भी प्रॉब्लम आता है, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ और दो स्टूडेंट है जो दुर्गेश सर पूछेंगे। चलिए ठीक है, अपना नाम और कहाँ से हैं? मैं शमशाद आलम बिहार से। आपका नाम? हम मनीष बिहार से। चलिए, थ्रू आउट फर्स्ट डे से लेके अभी तक जो आपने यहाँ पे पढ़ा, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर और एमएमसी से लेकर के, उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद क्या प्लानिंग है आपकी, मतलब यहाँ से जाने के बाद आप क्या करने वाले हैं, और यहाँ का डिसिप्लिन कैसा रहा? तो यहाँ का डिसिप्लिन कैसा रहा? डिसिप्लिन बहुत बढ़िया रहा सर। बिना डिसिप्लिन के पॉसिबल है? नहीं सर, थोड़ा भी पॉसिबल नहीं है सर। डिसिप्लिन होना चाहिए बहुत। अच्छा, यहाँ पे कौन से स्टूडेंट आना चाहिए, मेहनत करने वाले या फिर बिना मेहनत? नहीं सर, मेहनत करने वाला स्टूडेंट आएगा तभी वो कामयाब होगा, निकम्मे लोग आएंगे। मेहनत करने वाला यहाँ चाहिए सर। चलिए
एक्चुअली थ्रू आउट अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डे से लेकर के आप हार्डवेयर के सेक्शन देव सर के साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा सर। आपका कैसा? बहुत बेस्ट रहा सर। सर्किट का नॉलेज हो, कंपोनेंट का नॉलेज हो, स्कीमेटिक का नॉलेज हो, डेट सेक्शन हो, नेटवर्क सेक्शन हो, कैसा रहा वो? बहुत सर बेस्ट रहा एकदम। आपका कैसा गया? बहुत जबरदस्त। चलिए उसके बाद फिर आपका सॉफ्टवेयर का सफर रहा, तो सॉफ्टवेयर की क्लास कैसी रही? सर सॉफ्टवेयर तो हर बहुत बेस्ट रहा सर। आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया रहा। तो अगर हम सॉफ्टवेयर में किसी फाइलों के बारे में बात करें या फिर टूल्स के बारे में बात करें, हर एक चीज सर पूरी नॉलेज है। फिर उसके बाद फिर मिलन सर के साथ क्लास हुई जो कि एमएमसी क्लास ब्लैक पेस्टेड, फिर डुअल टेकर, फिर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, एमएमसी चेंज प्रोसेस कैसे करते हैं, तो कैसा रहा मिलन? बहुत बढ़िया सबका सब बहुत बढ़िया रहा सर। जबरदस्त लाइव दिखाया। हाँ सर लाइव सब कुछ लाइव सर का एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस रहा। बहुत अच्छे हम लोग को नॉलेज दिए और उसको हम लोग अगर आप कुछ पूछ रहे थे सर उसका रिप्लाई नहीं दे रहे। नहीं ऐसा तो कभी महसूस ही नहीं हुआ एशिया टेलीकॉम में। हम लोग एक बार नहीं उसको लाख बार हम लोग पूछे हैं सर, लोग हर बार उसका हल हम लोग को दिए हैं सर। चलिए अब जाने के बाद प्लानिंग क्या है सर? मेहनत से काम करेंगे, पूरा जबरदस्त काम करेंगे। पहले खुद को टाइम देंगे, उसके बाद हम टूल्स लेंगे कि नहीं लेंगे? टूल्स लेंगे सर, बिना टूल्स का काम नहीं हो पाएगा। आपकी प्लानिंग? टूल्स तो सर हम पूरा ले चुके हैं और हमको फुल इसकी ट्रेनिंग लेंगे, जाएंगे 6 महीने अपने आप में हम टाइम देंगे, उसके बाद फिर हम ग्राहक मैनेज। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।